गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, इट इज़ अबाउट द रीसेंट अर्थक्वेक्स इन टर्की एंड सीरिया। सो बेसिकली वहाँ पे हमें पता है कि द फर्स्ट 7.8 मैग्नीट्यूड क्वेक वाइप्ड आउट द एंटायर सेक्शन ऑफ मेजर टर्किश सिटीज। सेकेंड फिर आया 7.5 मैग्नीट्यूड का। तो ऐसे ही जो हमारे अर्थक्वेक्स हैं टर्की में, इसमें 1800 तो अब नंबर जो है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। द टू मोर पावरफुल अर्थक्वेक्स हिट टर्की आर्स आफ्टर 1800 किल्ड। तो ये नंबर जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, तो ये सब हम वहां पे देख रहे हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक को अगर हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में करें तो हम कहेंगे शेकिंग ऑफ अर्थ, कि जो अर्थ है वो शेक कर गई। अर्थक्वेक इज एन इंटेंस शेकिंग ऑफ ग्राउंड कॉज्ड बाय मूवमेंट अंडर द अर्थ सर्फेस। अब क्वेश्चन ये है कि है क्या ये, तो हमें पता चल गया शेकिंग, ये होता क्यों है। ये होता इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है वो कई नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है, हमने उसको कई नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइडेड है, मेजर माइनर प्लेट्स हैं। तो जब वो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव करती हैं, कोई दो ब्लॉक्स हैं अर्थ के, ये सडनली स्लिप हो जाएं एक दूसरे की तरफ, ऐसे मूव कर जाएं, तो ये इधर को जा रही है, एक इधर को टकरा जाएंगे, तब जो होता है वहां पे आपका अर्थक्वेक होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे जब ये मूव करते हैं तो इसमें से एक इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होती है। जब वो एनर्जी ऐसे मूव करेंगे तो वो वेव्स की फॉर्म में फिर पूरा जो है अर्थ के ऊपर जो है आती है और वो ग्राउंड को शेक करती है। ओके, तो दीज आर द टेक्टोनिक प्लेट्स, यूरेशियन, अरेबियन, सोमाली, अफ्रीकन, इंडियन, फिलिपींस, ऑस्ट्रेलियन। ओके, एंड ये सेस्मिक एक्टिविटी है। ये देखो जैसे ये थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट हुई तो यहां से अर्थ को एक जनरेट हुआ, इसको हम बोलते हैं फॉल्ट। ठीक है, अर्थ फोकस, फोकस के सबसे ऊपर का पॉइंट अगर हम, क्योंकि ये तो अर्थ के अंदर हो रहा है, अगर हम कर सरफेस पे आए तो यहां से अगर हम बिल्कुल सीधी लाइन खींचे तो जो सरफेस में हमें पॉइंट मिलेगा दैट इज एपिसेंटर। तो ये यहां से वेव्स ऐसे जनरेट हुई और ये पूरे अर्थ में ऐसे फैल गई। Why टर्की? टर्की में ही ऐसे जो है इतना जबरदस्त जो लेवल का अर्थक्वेक है क्यों आया? क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारे जो प्लेट्स होते हैं वो एक तरह से उनका मूवमेंट इज द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। तो टर्की में देखते हैं, इट इज सेड दैट द अराउंड 98% ऑफ टर्की इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स। मोस्ट ऑफ द टर्की इज लोकेटेड ऑन एनटोलियन प्लेटो। यहाँ पे टर्की है तो अगर हम इसको देखें तो इसके दोनों तरफ यहाँ पे अरेबियन प्लेट है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट है। इट सिट्स बिटवीन टू मेजर प्लेट्स, यूरेशियन एंड अफ्रीकन, दो मेजर प्लेट्स के बीच में है और ये एक अरेबियन प्लेट है। ये अरेबियन प्लेट है, ये माइनर वन है, यूरेशियन और अफ्रीकन के बीच में ये मेजर वहां पे है। एज द लार्जर अफ्रीकन एंड अरेबियन प्लेट शिफ्ट, टर्की इज बींग लिटरली स्क्वेस्ड। ठीक है, ये ऐसे शिफ्ट हो रही है और ये भी प्लेट इधर को ऊपर को जैसे ही मूव करती है, जैसे ये प्लेट ऊपर को मूव करती है, ये प्लेट इधर को मूव करने की जगह बनाने के लिए इधर को, ये नॉर्थवर्ड मूव होती है, ये वेस्टवर्ड मूव होती है। तो ये टर्की दोनों के बीच में से दब जाता है, उधर से इसकी भी मूवमेंट हो रही है, इसकी भी हो रही है, दोनों के बीच में दबा पड़ा है। ओके, एज अ लार्जर अफ्रीकन एंड अरेबियन प्लेट शिफ्ट, टर्की इज बीइंग लिटरली स्क्वेस्ड व्हाइल द यूरेशियन प्लेट इंपीड्स एनी नॉर्थवर्ड मूवमेंट। दस टर्की सिट्स ऑन सेवरल फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन होते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, फिर ये ऐसे ऐसे जब मूवमेंट हो रही है तो ये क्रैक्स पड़ जाते हैं। द नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन वेयर द एनाटोलियन एंड यूरेशियन प्लेटो मीट इज सेट टू बी द मोस्ट डेवस्टेटिंग फॉल्ट लाइन एंड रन फ्रॉम साउथ ऑफ इस्तानबुल टू नॉर्थ ईस्टर्न टर्की। तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस जो है एट द टाइम यहाँ पे जो है 650 किलोमीटर जो है ये स्ट्रेच हो चुका है। तो जैसे ही ये एक दूसरे से ऐसे प्लेट्स जो है मूव करती है मेडिटेरियन रिज, तो ये सारी की सारी जो है टर्की में अर्थक्वेक्स आते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये प्लेट इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, और ये जो इधर को आ रही है तो रशिया, ये जो टर्की है ये इन दोनों के बीच में से स्क्वेज हो रखा है। ओके, द अर्थक्वेक वर द रिजल्ट ऑफ स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट वेयर द थ्री टेक्टोनिक प्लेट्स स्लिड पास्ट ईच अदर इन साउथ सेंट्रल टर्की। तो ये ऐसे थी पहले, ये फॉल्ट लाइन, ये क्रैक है अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बोलें। तो अर्थक्वेक के बाद कैसे हो गई, ये देखो कैसे ही आगे को हो गई, ये ऐसे मूव कर गई। तो जब ये ऐसे मूव कर गई, प्लेट जो ग्राइंड कर गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तब जो है वहां पे अर्थक्वेक जो है वो आया। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, अब ये एक बार तो ग्राइंड कर गई, अब जो क्रस्ट है वो दोबारा से रीसेटल होने की भी कोशिश करती है, तो उस टाइम पे आते हैं आफ्टर शॉक्स। हमने कहा ना एक के बाद एक अर्थक्वेक आना, तो एक के बाद एक आते हैं क्योंकि जो क्रस्ट है अब वो ऐसे उसमें मूवमेंट हो गई है, अब वो इसको थोड़ा सेटल डाउन करने की कोशिश करती है। आफ्टर मेजर अर्थक्वेक्स देयर विल बी मेनी स्मॉलर अर्थक्वेक्स नोन एज आफ्टर शॉक्स एज द क्रस्ट रीएडजस्ट टू चेंजेस इन द स्ट्रेस।
दीज कैन कंटिन्यूज फॉर डेज टू ईयर आफ्टर इनिशियल इवेंट, है ना। क्रस्ट जो है वो रीएडजस्ट करने की कोशिश करती है। इन द फर्स्ट 12 आवर्स आफ्टर द इनिशियल ट्रेमर इन साउथ ईस्ट टर्की देयर वर ऑलमोस्ट 3 अदर अर्थक्वेक्स अबव मैग्नीट्यूड 6.0। तो 6.7 वाला 11 मिनट्स के बाद ही आ गया, फिर 7.5 वाला आया। तो आफ्टर शॉक्स जो हैं ये कम हैं मेन अर्थक्वेक से, मेन तो 7.8 का था, बट ये भी इक्वली डेवस्टेटिंग होते हैं। ओके, तो टर्की में पहली बार नहीं हुआ है। टर्की में इससे पहले इतना ही बड़ा जो अर्थक्वेक है वो 1938 में आया था, उसके बाद ये इतना बड़ा है। बीच में अर्थक्वेक्स आते रहे, तो जैसे 7.4 मैग्नीट्यूड का आता है 1999 में, फिर ये आता है मार्च 2010 में, अक्टूबर 2011 में भी, 2020 ये अर्थक्वेक्स चलते रहते हैं। और उसका हमने रीजन भी देख लिया कि अर्थ वहां पे ज्योग्राफिकली टेक्टोनिकली काफी एक्टिव एरिया है वो, जिस वजह से वहां पे कंटिन्यूसली अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ रहे हैं। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो जहां पे अर्थक्वेक जो है ओरिजिन होता है, स्टार्ट होता है, वो फोकस हो गया या फिर हाइपोसेंटर जहां पे रप्चर होता है, इसके बिल्कुल ऊपर सरफेस पे हमने देखा था एपिसेंटर, द पॉइंट एट द सरफेस, ठीक है, डायरेक्टली अबव द फोकस, फॉल्ट फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, क्रस्ट में फ्रैक्चर हो गया, और जो प्लेट्स हैं, ठीक है, मैसिव रॉक्स जो हमें पता है कि मूव करती हैं, सेस्मिक वेव्स, जैसे ही यहां पे ये ट्रेमरिंग हुई तो जो वेव्स जनरेट हुई दीज आर सेस्मिक वेव्स। ओके, तो अगर हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास रिक्टर स्केल है, हम कहते हैं ना 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थ है, तो उसके लिए हमारे पास स्केल है 1 to 9 का। तो हम देखते हैं कि 1, 2 वाले माइक्रो होते हैं, फिर ये माइनर है, 5 to 6 वाले मॉडरेट हैं, 6-7 स्ट्रांग हैं जो ऐसे बिल्डिंग्स को कोलैप्स कर देंगे, 7 वाला तो मेजर कैटेगरी में होगा जहां पे पूरे का पूरा जो है कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो अर्थ की रॉक्स हैं वो 9 मैग्नीट्यूड्स के ऊपर का जो अर्थक्वेक है वो मतलब नहीं उसको बर्दाश्त कर पाएंगी। ओके, एक और स्केल है, दैट इज मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। मॉडर्न सेस्मोलॉजिस्ट यूज द मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल विच रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कितनी अमाउंट एनर्जी रिलीज हुई। द स्केल इज नॉन लीनियर, जैसे ही हम एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो ये 32 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज होती जाती है, कि 1 to 2 का मतलब 2 में 32 टाइम्स ज्यादा एनर्जी है 1 के कंपैरिजन में। ओके, दिस मींस अ मैग्नीट्यूड 7.8 एक्चुअली रिलीज 6000 टाइम मोर एनर्जी देन 5 to 6, 32 into 32 करके हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतनी ज्यादा एनर्जी जो है ये रिलीज हुई है। ओके, कुछ अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में देख लेते हैं कि जैसे ही ये सेस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं तो ये जो है जब अर्थ के बीच में कैसे एक रिपल जनरेट होता है, दो तरह की वेव्स होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स जो हैं वो आपका लिक्विड सॉलिड तीनों में से पास हो सकती हैं, और जो एस वेव्स हैं वो आपका सिर्फ सॉलिड में से पास होंगी। पी वेव्स और एस वेव्स जो हैं ये हम ज्योग्राफी में डिटेल में स्टडी करते हैं। बॉडी वेव पी मूव अपार्ट, ठीक है, एक फास्टेस्ट वेव्स हैं। सेकेंडरी वेव्स जो हैं ये राइट एंगल पे मूव करेंगी, दे मूव लाइक अ स्नेक। सरफेस वेव्स, इन दोनों के इंट्रैक्शन से सरफेस वेव्स जनरेट होती हैं, लव एंड रेले वेव्स, मूव अप एंड डाउन लाइक ओशन वेव्स। ओके, नेक्स्ट, बट डिस्पाइट द यूबिक्यूटस डेंजर, टर्की में हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बट फिर भी टर्की रिमेन्स वॉफुली अनप्रिपेयर्ड टू फेस अर्थक्वेक्स। सेवरल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग दोज इन इस्तांबुल, द कंट्रीज मोस्ट मॉडर्न एंड डेवलप्ड सिटी, आर नॉट बिल्ट इन लाइन विद अर्थक्वेक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। मेनी हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विदाउट सुपरविजन एंड विद पुअर क्वालिटी बिल्डिंग मटीरियल। ओके, एंड इट इज नॉट जस्ट द पुअर बिल्डिंग्स दैट मेक टर्कीज अर्थक्वेक सो डेडली, द कंट्रीज ओवरऑल पॉवर्टी इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर लार्ज नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द क्वेक्स। तो वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो इस सब की वजह से ये सारे सीन जो है वहां पे ज्यादा डेंजरस हो चुका है। कैन अर्थक्वेक्स भी प्रोडिक्टेड? नो, हम अर्थक्वेक्स के हम नहीं प्रोडिक्ट कर सकते कि अर्थ के नीचे कौन सी कब मूवमेंट होगी। एन एक्यूरेट प्रोडिक्शन ऑफ एन अर्थक्वेक रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ प्रिकर्सरी सिग्नल विद इन द अर्थ, मोर ओवर दिस सिग्नल मस्ट अकर ओनली बिफोर लार्ज अर्थक्वेक्स, है ना। करंटली देयर इज नो इक्विपमेंट टू फाइंड सच प्रिकर्सर्स इवन इफ दे एग्जिस्ट, तो अभी हम नहीं प्रोडिक्ट कर सकते। तो ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट टर्कीज अर्थक्वेक। तो आप इसको देखो, बेसिक रीजन समझो, और आपको ये किसी भी एग्जाम में आपके काम जरूर आएगा।